कि चिराग पासवान जो हवाई हवाई नेता कहला रहे हैं 6% मेरे पास वोट है, कहीं कुछ नहीं है, इनको इस बार धूल चटा देगा। कौन चटा देगा? दंता चटा देगा। ये बाहरी उम्मीदवार है और न उनका कोई व्यक्तिगत बेस है, न उनके जैसे पार्टी के जैसे आला कमान का कोई बेस है, समझे ना। मतलब आप कह रहे चिराग पासवान के भी समस्तीपुर में कोई बेस? कोई बेस नहीं है। समस्तीपुर में उजवाए हैं अशोक चौधरी 30 करोड़ रुपया देकर आए हैं, इनका रुपया सारा फैल कर जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, 30 करोड़ रुपया दिया है। ये जो है कुणाल कुणाल साहब जिनका पुतोह है, 30 करोड़ रुपया दिया है। चिराग पासवान के कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करेंगे लेकिन एनडीए के वोट करेंगे। एनडीए के लिए करेंगे मतलब चिराग के लिए करेंगे, ये बोलिए ना। हाँ हाँ, चिराग भी दूसरी में एनडीए में है। हाँ हाँ हाँ, अलग कहाँ है चिराग। इसलिए जो है से उनके नाम पर नहीं लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट होगा। कैंडिडेट कैसा आया है समस्तीपुर में, उनका कोई कमरे का नहीं है, मतलब जाता है तो उनका इतना ढेरा लगाता है कि जनका के क्या मिले। लोग डायरेक्ट मंदिर में जा रहे हैं वोट करने के लिए, अरे जनका के जाके पीछे कम ना कुछ हो रहा। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या बता रहे हैं, शामी चौधरी वहाँ से जीतेगी कि नहीं जीतेगी ये बताइए। ये कहना मुश्किल है, जीतेगी कि नहीं जीतेगी ये कहना मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है क्योंकि ये बाहरी उम्मीदवार है और न उनका कोई व्यक्तिगत बेस है, न उनके जैसे पार्टी के जैसे आला कमान का कोई बेस है, समझे ना। मतलब आप कह रहे हैं चिराग पासवान के भी समस्तीपुर में कोई बेस? कोई बेस नहीं है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है समस्तीपुर में उनका, कुछ नहीं है। प्रिंस रावा दूसरा कोई नहीं है। कैंडिडेट कैसा आया है समस्तीपुर में, उनका कोई कमरे का नहीं है, मतलब जाता है तो उनका इतना ढेरा लगाता है कि जनका के क्या मिले। लोग डायरेक्ट मंदिर में जा रहे हैं वोट करने के लिए, अरे जनका के जाके पीछे कम ना कुछ हो रहा। अशोक चौधरी भी मेहनत कर रहे हैं, उनके पिताजी प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के करीबी हैं। संभवी चौधरी जैसे मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है और जो उधर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं सन्नी हजारी, वो मंत्री महेश्वर हजारी के जो है से बेटे हैं और दोनों के फादर जो हैं सो जदयू से बिलोंग करते हैं और वर्तमान मंत्रिमंडल में दोनों मंत्री भी हैं। मंत्री भी हैं। अच्छा, अभी चिराग पासवान साहब दोनों के दल मिला है, जिस तरीके से कह रहे हैं एनडीए को जिताएंगे, दल मिल गया आप लोगों का? दल मिल नहीं गया है लेकिन जैसे हम लोग एक नरेंद्र मोदी के एनडीए के साथ हैं और एनडीए के जो है से पक्ष में हम लोग जो है से जहाँ तक होगा वहाँ तक जो है से मतलब चिराग पासवान के उम्मीदवार के लिए वोट करेंगे आप लोग? चिराग पासवान के कैंडिडेट के लिए वोट नहीं करेंगे लेकिन एनडीए के वोट करेंगे। एनडीए के लिए करेंगे मतलब चिराग के लिए करेंगे, ये बोलिए ना। हाँ हाँ, चिराग भी दूसरी में एनडीए में है। हाँ हाँ हाँ, अलग कहाँ है चिराग। इसलिए जो है से उनके नाम पर नहीं लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट होगा। भले ही आप लोगों को एक भी सीट नहीं लेने दिया जी, आप लोग कह रहे थे पांच सीट मिलेगा। नहीं मिला, इसलिए कोई गम नहीं है। गम नहीं है कि दिल में दुख है, कोई तकलीफ नहीं है। नरेंद्र मोदी के सामने हम सही से खड़े हैं। सही से बोलिए, माइक देकर के नहीं, सही से बोलिए, दिल से बोलिए, दुख है कि नहीं? दुख तो जो है से जरूर कुछ होता है लेकिन जो होता है ना। हाँ, लेकिन इसमें जो है हमको जैसे एनडीए को नहीं छोड़ना है, एनडीए से दूर नहीं रहना है, इसलिए हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ निभाएंगे, यही मेरा कहना है, समझे ना। हम दरभंगा जिला के जैसे अति पिछड़ा के आपके विरोधी पार्टी जो आप लोग कहते हैं जिनसे कि धोखा मिला जो भी है, चिराग पासवान की पार्टी बड़ी संख्या में टूट हो गई है, बड़ी संख्या में टूट हो गई है। हाँ, सब चिराग, आपको चिराग के अपने ही दल में जितने भी कदावर नेता थे उन्हें रिजिग्नेशन दे के अपना जैसे दल छोड़ चुके हैं, समझे ना। वर्तमान में चिराग पासवान अकेले मंदिर और मस्जिद का सहारा ले रहे हैं। अच्छा, तब कैसे होगा, खाली मोदी जी का हनुमान बन के जीत पाएंगे? नहीं, मोदी जी का भी हनुमान नहीं है, वो मोदी जी को भी ठग रहे हैं। चिराग पासवान मोदी जी को भी ठग रहे हैं? हाँ, जमुई में अपने जीजा जी को टिकट दिए हैं। हाँ हाँ, वहाँ से जीत पाएंगे? नहीं, वहाँ भी फंस जाएगा, वहाँ भी जैसे नहीं जीत पाएंगे। वैशाली में बीना देवी को जिनको वो गद्दार कहते हैं। हाँ, तो बीना देवी पहले भी सांसद थी, वर्तमान में भी उनको टिकट सांसद के लिए टिकट दिया गया है और वो जीतेगी। उनका व्यक्तित्व अच्छा है इसलिए अपने जीतेगी वो। हाँ, अपने व्यक्तित्व के बल पर वो जीतेगी। लेकिन शामोबी समस्तीपुर से नहीं जीत पाएगी। क्या कह रहे हैं आप, शामोबी समस्तीपुर से जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी, ये बताइए। देखिए, हम दरभंगा जिला के हायाघाट विधानसभा के हम कार्यकर्ता हैं और दरभंगा जिला में दो विधानसभा है। अच्छा,
कुशेश्वर पूर्वी, कुशेश्वर पश्चिमी, बिरौल एक विधानसभा कुशेश्वर हुआ है, और बहरी में है हायाघाट में। अब मुद्दे पाइए नहीं तक हम हमारा फूल बोल दीजिए हमको पहले। उसके बाद मुद्दे पर मुद्दा तो स्पष्ट है कि चिराग पासवान जो हवाई हवाई नेता कहला रहे हैं 6% मेरे पास वोट है, कहीं कुछ नहीं है, इनको इस बार धूल चटा देगा। कौन चटा देगा? जनता चटा देगा, कहीं उनको वोट बांट नहीं है। सही में एकदम आपकी बात 400 पार का नारा। अभी हम पार्लियामेंट समस्तीपुर की बात कर रहे हैं, समस्तीपुर में उजवाए हैं अशोक चौक 30 करोड़ रुपया देकर आए हैं, इनका रुपया सारा फैल कर जाएगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, 30 करोड़ रुपया दिया है ये जो है कुणाल, कुणाल साहब जिनका पुतोह है, 30 करोड़ रुपया दिया है। ये कहा एक महीना हेलीकॉप्टर पर नीतीश कुमार कहा बुला के, क्या कहा? सम्राट चौधरी को बुलाया, विजय सिंह को बुलाया। अरे बोली बोली नेताजी की बात मत करिए, बोलिए ना अपने मन से बोलिए। अरे कहीं नहीं है चिराग पासवान का संगठन, कहीं नहीं है। हम अपने अपने विधानसभा कहते हैं हायाघाट प्रखंड में एक भी उनका कोई प्रखंड अध्यक्ष नहीं है। अरे आप क्या बोल रहे थे? अरे उनका कहीं संगठन नहीं है। 30 करोड़ का बात कर रहे थे आप, तो सब लोग जान रहे हैं, हम पूरा लोग जान रहे हैं, नरेंद्र मोदी तक मालूम हो गया है जमई के मीटिंग में। शाम भी चौधरी टिकट खरीदी है 30 करोड़ में चिराग पासवान से। कान में नीतीश कुमार बोले मोदी जी को, क्या सब 5 टिकट बेच लिया? सही में एकदम कहा है, खुले आम कह रहा है। आप सुन रहे थे? हाँ भाई, उसी बगल में थे हम, मंच के बगले में थे। अरे चला रहे के। और इसीलिए मोदी जी इस बार परिवारवाद का एक बार भी जिक्र नहीं किया। मोदी जी को तो हम लोग भी मानते हैं, हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, सांसद प्रतिनिधि, हम लोग भी उनको मानते हैं, भगवान मानते हैं। लेकिन मोदी जी को भी हनुमान कह के ये उनको पूरा मने मने क्या कह रहा है, गड़बड़ा दिए हैं, टोपी पहना दिए। ये जो है मोदी जी को हनुमान कह के पूरा गड़बड़ा दी है। मैंने कहने का मतलब है कि ये अपनों सीट बचा पाएंगे कि नहीं पाएंगे हाजीपुर, ये भी संदेह। बचा पाएंगे तब तो गए हैं ना, तू कहना बचा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, असंभव है, कहना मुश्किल है, क्या होगा? 5 में से कैगो बचा पाएंगे? अरे हम तो एक ही ठीक कर रहे हैं, एक भी नहीं, अभी एक भी नहीं। अभी कहे का चिराग पासवान जी समस्तीपुर छोड़िए, आके चाचा जी का पेड़ पकड़ के माफी मांगे तो पूरा राज फ्री हो जाए। समस्तीपुर से महेश्वर हजारी का लड़का जो है सनी हजारी, कम से कम 2 लाख से वोट से लीड होगा उसका। सनी हजारी कांग्रेस के नेता के लिए बोल रहे हैं? अरे कहीं जो वहाँ फैक्ट जो वोटर है, हम फैक्ट बात बोल रहे हैं, फैक्ट बात, फैक्ट बात बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? देखिए ये राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता हैं हमारे साथ, बहुत सारे लोग मौजूद से बात कर लें। क्या कहाँ भाग रहे हैं, क्या हुआ समस्तीपुर में, क्या माहौल है? देखिए समस्तीपुर में माहौल यह है कि आदरणीय आज अशोक कुमार पारा जी का जो आज कार्यकर्ता सम्मेलन था। अच्छा ये बताओ शाम्भवी चौधरी को वोट देंगे कि नहीं? सीधा सीधा पॉइंट पे आइए। हम सब लोग शाम्भवी चौधरी का वोट नहीं देंगे, हम नरेंद्र मोदी जी का नाम पर वोट करेंगे। किसको दीजिएगा नरेंद्र मोदी को वोट? नरेंद्र मोदी को नाम पर वोट देंगे, उनका जो जो भी कैंडिडेट है उनको। शाम्भवी चौधरी है कैंडिडेट? बिल्कुल वहाँ देंगे, उनको जिताएंगे, हम देंगे देंगे देंगे, जिताइएगा। बिल्कुल बिल्कुल जिताएंगे, क्योंकि NDA को सरकार बनाना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मैं तो आप लोग मजबूरी में है? नहीं हम शुरू से एक भी टिकट नहीं दिया, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, लाग लपेट के थोड़े बोलते हैं, नहीं दिया कोई बात नहीं है। हम लोग नरेंद्र मोदी दिए है ना, दिल का भरोसा है हम लोग के पास, का जो उम्मीदवार भरोसा से हम वेट भर रहे हैं, भरिया रहा। कभी कभार समस्तीपुर से पटना आए हुए आवास पर तो नेता के पर नेताजी का हम जिंदाबाद रहे ना, एनी टाइम रहेंगे। लेकिन हाँ एक ही बात कहेंगे, चिराग पासवान जी को कहिए आपके न्यूज के करब से कि अपने चाचा जी को पाँव पकड़ लें, आप माफी चिराग क्या बात दे, कहे के लिए माफी मांगे आप? चाचा जी को NDA से बाहर करवा दिए थे, इस्तीफा दिलवा दिए थे चाचा जी को, इस्तीफा दिया दे तो अब उन लोग का भी 0/0 आए रहा, 0/0 आए रहा, क्योंकि आप उनका बर्बाद करिए, हमको कहा हम लोग का सही। चाचा जी क्या बोले थे इस्तीफा देने के बाद, धोखा दिया NDA में? चाचा जी बोले थे ना NDA का धोखा दिया, लेकिन NDA सबसे नंबर 1 पर होंगे, ये भी बात जान लीजिएगा। अब कार्यकर्ता है क्या कीजिएगा, गजब गजब बात भी कर रहे हैं, NDA से धोखा भी मिला है, कह रहे वोटो करेंगे, आप कह रहे टिकट नहीं भी दिए तो ये वोट करेंगे, तो कार्यकर्ता है प्रधानमंत्री जी है, उनको बनाना है प्रधानमंत्री, उनको खोरी नीचे करना है, एक आवे चाहे 2 सीट आवे उनसे कुछ नहीं होने वाला है। मतलब शाम्भवी चौधरी को हराना है? बिल्कुल हराने की बात नहीं है, तो
हराने की बात नहीं आ रहा है, मेरे मोदी जी कैसा कैंडिडेट के उठा रहे हैं वहाँ से विजय होंगे, ऐसी बात नहीं है विजय नहीं होंगे, लेकिन उनको छात्र में मतलब जाए और जनता के बीच में मिलान करे, कभी कुछ होने वाला है नहीं, नहीं अच्छा। सही में सही बोल रहे हैं ये, अभी तो कार्यकर्ता हैं हम लोग, तो कहेंगे कि 40 यार 40 40 में से 39 सीट जीते ना, 400 जीते हाँ। सामोबी चौधरी वोट कीजिएगा, लड़का गलती करता है तो बापे ना माफ करता है, ऐसा बाप माफ करेगा बताइए, अरे लड़का जाकर पहक देगा तो कौन धोता है, मैं ही धोता है, ऐसा लड़का धोखा देता घर से भगा देता है, ठीक धोखा कर रहा है तो उसको ज्ञान खुल जाएगा, हम नहीं धोखा देंगे तो लात मार के भगा देगा बाबूजी, निकल घर से, नहीं 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 बाबूजी एक्शन नहीं ले रहे, जब ज्ञान जब बेटा भारी पड़ रहा है क्या, ना ज्ञान टूट पड़ता है अच्छा, तब बेटा को माफ करना पड़ता है, जबरदस्ती आप लोग माफ करवा रहे हैं ना, ना चिराग जी एक लड़की की है कि दलित को वहाँ पे उम्मीदवार का रूप में नहीं चुने, वो महादलित के वहाँ पर दिया है, इस लेकर के दलित थोड़ा वहाँ दुखी है, दुखी है, पर उसके बाद ही मजबूर में मोदी जी के नाम पर ही वोट वहाँ मिलेगा, उनको जिताकर भेजेंगे, ठीक है ना, ये बात है, ठीक है। देखिए हंसते हंसते नेताजी कह रहे हैं 400 पार, 400 पार मतलब समझ जाइए कहाँ जाएगा।